नॉर्मल पानी है ना, ठंडा हम नहीं पीते हैं, रख दीजिए, थोड़ा देर, थोड़ा अभी गर्माए हैं, थोड़ा सी देर से। यूपीएससी में यह जो पेपर है इसमें 33% मार्क्स लाना होता है, 33% क्वालिफाइंग मार्क्स, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं आता, क्योंकि इसका कारण ये है, इसके चार भाग होते हैं रीजनिंग, इसमें एक भाग ये है चार भाग में, और ये जो भाग है यही भाग लोगों से नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए इस भाग को आप लोग यदि बढ़िया से पढ़ लेंगे तो यह बेसिक मैथमेटिक्स रीजनिंग में भी रहता है, अब बेसिक मैथमेटिक्स अलग से रहता है, मैंने 25% क्वेश्चन, तो ये 25% खूब बढ़िया से पढ़ लिया जाए तो 25% पूरा आ जाएगा, और रीजनिंग में जो मैथमेटिक्स घुसा हुआ है वो भी हो जाएगा, क्योंकि तो रीजनिंग का तो कोई सिलेबस नहीं ना होता है, रीजनिंग मैंने कुछ हो कुछ भी रीजनिंग दे देगा, कोई रीजनिंग जो क्वेश्चन सेटर को जो दिमाग में आया है वो कुछ भी दे सकता है, उसका कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं है, या जो पैराग्राफ आता है उसका भी कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं है, जैसे एक पैराग्राफ दे दिया उस पैराग्राफ से क्वेश्चन दिया तो उसका भी कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं है, वो बहुत डिफिकल्ट पैराग्राफ आता है, हिंदी में भी या इंग्लिश में भी बहुत डिफिकल्ट पैराग्राफ आता है। तो हमारे कहने के मतलब कि यदि इस 25% को, ये जो मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स के जो 5, 6, 7, 8 चैप्टर्स हैं इनको आप लोग बढ़िया से कर लेंगे तो आपका रीजनिंग का मैथमेटिक्स और ये मैथमेटिक्स मिला के 33% मार्क्स निश्चित रूप से श्योर शॉट हो जाएगा। बाकी रीजनिंग भी तो हम लोग कराएंगे ही, लेकिन रीजनिंग में का कोई शॉर्ट माने कोई एक डेफिनेट सिलेबस नहीं है, तो कुछ भी पूछ सकता है। इंडिसेस, इंडिसेस, इंडिसेस का मीनिंग है घातांक, पावर्स, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंडिसेज के, जैसे ए स्क्वायर ए पावर बी, ठीक है ना, बी पावर ए, इटिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज आर इज बेस एंड टू इज पावर, ए इज बेस, बी इज पावर, बी इज बेस, ए इज पावर, देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेज। घातांक के गुण, इसको हिंदी में कहेंगे घातांक के गुण, कि ए पावर बी प्लस ए पावर सी इंटू ए पावर सी, ए पावर बी इंटू ए पावर सी इक्वल टू ए पावर बी प्लस सी, ए पावर बी पावर सी, ए पावर बी इंटू सी, दिख नहीं रहा है, अच्छा बुलाइए ना उसको, जरा वही हटा देगा, इस कॉर्नर पर कर दीजिए, इस कॉर्नर पर उठा करके, अब ठीक है, दिख रहा है ना, ए पावर बी इंटू ए पावर सी इक्वल टू ए पावर बी प्लस सी, ए पावर बी पावर सी, ए का पावर बी है और पूरा ब्रैकेट के पावर सी है, दैट इज इक्वल टू ए पावर बी इंटू सी, और थर्ड होगा ए पावर बी डिवाइडेड बाई ए पावर सी, ए पावर बी माइनस सी, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस।
हम बेस सेम है, बेस सब सेम है। अब बेस चेंज करना भी बताएंगे इसमें कि कैसे बेस चेंज करते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी कराते हैं। जैसे रूट एन का क्या मीनिंग होगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रूट एन, दैट इज एन पावर 1/2। और ऐसे रहे कि रूट एन और यहां भी एन रहे, इसका मतलब क्या होगा, एन पावर 1/n। अब जैसे तीन बार हम लिखते हैं एन और इसका पावर एन कर दे तो ये क्या होगा, एन। ये सब प्रॉपर्टी में ही आता है, सब प्रॉपर्टी हो गया कि उसी को यूज करके। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन कुछ करते हैं, क्वेश्चंस एक टाइप का क्वेश्चन यदि दूसरा आएगा तो छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस करने हैं हमें। हाँ, हल्का हल्का क्वेश्चन से ही चालू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन रूट टू प्लस, देखो ये इस रूट के अंदर में फिर रूट टू है, फिर इस दूसरे वाले रूट के अंदर में प्लस रूट टू है, फिर इस तीसरे रूट के अंदर में प्लस रूट टू है, एंड अप टू इंफिनिटी। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रूट टू, उसके अंदर में रूट है, उसके अंदर में रूट है, उसके अंदर में रूट है, अप टू इंफिनिटी तक गया है। इसमें फोर वैल्यूज दिए हुए हैं, पहले आप वैल्यू निकालना सीख लीजिए। ठीक है, निकालिए। आप लोग सोचिए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाएंगे तब ना, दिमाग नहीं लगता। कोशिश करो बेटा, जो आदमी यूपीएससी का एग्जाम की तैयारी करता है ना, उसको थोड़ा सा अपना मस्तिष्क को ट्रेनिंग, मैंने थोड़ा सा ये लगाना पड़ता है कि थोड़ा। ऑप्शन इसमें इसको क्या कीजिए कि एक्स ले लीजिए पूरे को। हाँ, चार ऑप्शन बताते हैं। पहला क्वेश्चन दिए थे ना, क्वेश्चन है ए में इंफिनिटी, बी में टू, सी में 1.414 और डी में नन ऑफ दी। तो देखिए
इसको, हाँ ठीक है, कैसे करेंगे इसको, तो इसको एक्स ले लेंगे पूरे को, पूरे इसको एक्स ले लेंगे कि लेट रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू प्लस अप टू इंफिनिटी इक्वल टू एक्स। एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर यही होगा कि टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू इसका मतलब है कि कुएं में यदि पानी हो उसमें से एक बूंद पानी यदि निकाल लेते हैं तो पानी में कुछ कमी नहीं होता है। समुद्र के पानी से यदि एक बाल्टी पानी निकाल लीजिए तो समुद्र का समुद्र ही रहेगा। तो इन्फिनिटी से यदि एक को हटा लीजिएगा तो इन्फिनिटी ही बचेगा, ठीक है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया टू प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इसलिए हुआ कि इसको हम लोग एक्स लिए हुए हैं, ठीक है, इसमें से यदि एक कड़ी हट भी गया बाहर भी हो गया फिर भी वो उतना ही बचा, इसलिए ये टू प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। इसलिए एग्जाम्पल देने के लिए हम बताए कि यदि समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल भी लेते हैं तो उतना ही पानी रहता है। तो वैसे ही ये है कि कोई भी ये इन्फिनिटी तक गया है इसका सम, उसको एक्स लिए हैं, उसमें से एक एक कड़ी को यदि हम लोग बाहर भी कर लेते हैं तो फिर भी ये वो उतना ही होगा, एक्स के बराबर ही होगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया कि एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है ना, टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, और एक्स कॉमन लीजिए एक्स माइनस टू, फिर वन कॉमन लीजिए एक्स माइनस टू, अब एक्स माइनस टू कॉमन ले लीजिए एक्स प्लस वन, एक्स का वैल्यू हो जाएगा टू और माइनस वन, तो यही टू वैल्यू हम लोग लेंगे पॉजिटिव वैल्यू को, माइनस वन वैल्यू को नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को केवल लेंगे। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, ये इजी क्वेश्चन था, आप लोग कहे कि इजी से स्टार्ट कीजिए इसलिए इजी से स्टार्ट किया, खाली थोड़ा सा इसमें सोचना था। एज्यूम जो एक्स किए हैं, एक टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे फिर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जितना वैरायटी आप सीखे रहोगे उतना अच्छा रहेगा, ये सब भूलने वाला नहीं है, एक बार कर लोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फोर्टी नाइन पावर पॉइंट वन सेवन। अब हम लिख देते हैं क्योंकि बोलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। फोर्टी नाइन पॉइंट जीरो पॉइंट वन सेवन इंटू फोर्टी नाइन पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो एट इंटू सेवन पावर जीरो पॉइंट फाइव, फाइंड द वैल्यू। चार वैल्यू है, ए में आंसर है रूट सेवन, बी में आंसर दिया हुआ है क्यूब रूट सेवन, इसको क्यूब रूट कहते हैं,
सी में आंसर दिया हुआ है 7, डी में नॉन ऑफ दीज। तो निकालिए, सबको 7 के पावर में लिख लीजिए, 7 पावर 2 पावर 0.17, 7 पावर 2 पावर 2 इंटू 0.08 एंड 7 पावर हाफ मैंने 7.0.5। अब एक बेस है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है a पावर b इंटू a पावर c इक्वल टू a पावर b प्लस c, फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाया, देखते हैं। देखिए ये हो गया 7 पावर 2, तो 2 इंटू 0.17 तो 0.34। सेवन पावर 0.16, जीरो पॉइंट थ्री फोर प्लस 0.16 प्लस 0.5, इसको ऐड कीजिए तो सबको पावर को कितना आया 1.0, 1.0 दैट इज 7, आंसर हो गया 7। सी आंसर सही होगा, आपको कैसे नन ऑफ दिया गया, सी बोले थे आज तब ठीक है, हमको बोले कि हमको लगा कि आप कह रहे हो नन ऑफ दीज। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी है, प्रॉपर्टी का इसमें यूज है। हो गया, इसको इरेज कर दिया जाए, खत्म कर दिया। 10 कर दिया, वही हुआ, प्लस करना ही इरेज हुआ। इस क्वेश्चन को कीजिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पी पावर ए बाई पी पावर बी द होल पावर ए प्लस बी, पी पावर बी ओवर पी पावर सी बी प्लस सी इंटू पी पावर सी पी पावर ए सी प्लस ए, फाइंड द वैल्यू। चार वैल्यू हम दे देते हैं नीचे, ए आंसर में 0, बी आंसर 1, सी आंसर पी पावर ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी एंड डी आंसर नॉन। निकालिए, आप मत बोलिए, अभी करने दीजिए बच्चों को, क्योंकि फिर आप बोल देंगे तो बच्चे लोग जो है ना वही आंसर निकाल देंगे, इसलिए ये लोग अपने से थोड़ा सा सीखें, अपने करें, और फिर फास्ट करने को भी आदत लगानी पड़ेगी कि कैसे हम लोग मिनिमम टाइम में इसको कर लें, जैसे वो मिनिमम टाइम में कर रहे हैं ना, वैसे आपको मिनिमम टाइम में करना होगा इसको, तो पहले एक्यूरेसी तब स्पीड। ब्रैकेट के अंदर जो है पी पावर ए बाई पी पावर बी है, तो इसको लिखेंगे पी पावर ए माइनस बी, उसका पावर है ए प्लस बी, वैसे ही
पावर बी माइनस सी और उसका पावर बी प्लस सी, पी पावर सी माइनस ए पावर सी माइनस सी प्लस ए, पावर का पावर में पावर पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पी पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, पी पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लास्ट में ऊपर वाला सब कट जाएगा, पी पावर जीरो इक्वल टू वन। हाँ वन आंसर आ जाएगा, बी आंसर सही होगा। मैंने क्वेश्चन देखने में बड़ा भयावह है लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत इजी है। डिसेज का क्वेश्चन देखने में लगता है कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा कि तो कुछ नहीं है। आगे तुम्हारा ढक्कन गिरा है बच्चे पैर के पास, ठीक है इसको कीजिए। सब वो कर लिए, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.013 0.013 पावर 3 माइनस 0.07 पावर 3 ओवर 4 स्क्वायर इंटू 0.07 प्लस इसका वैल्यू 4 दिया हुआ है, इसमें ए आंसर 0.004, बी आंसर 0.102, सी आंसर 0.56 एंड डी 0.006। फाइंड राइट आंसर। कुछ इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कुछ फॉर्मूला जानना होगा, जैसे क्यूब का और स्क्वायर का, ये सब फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि उसको तो बिल्कुल याद रहना चाहिए तभी ये सब क्वेश्चन हो पाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उसकी जानकारी जिसको रहेगी वही ये कर पाएगा, बेसिक होता है ये सब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, डी होगा आंसर, डी होगा ये आंसर होगा। डी आंसर इसलिए हुआ, नहीं दिमाग में करके मार दोगे तू का आंसर तो ठीक ही है,
क्योंकि उतना टाइम तो है नहीं ना, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे और टाइम बहुत कम रहेगा, तो तुक्का तो कुछ मारना ही पड़ेगा अपना मन में ही सेट करके कि ये ए माइनस बी, ये फॉर्मूला जिसको आता होगा वो तो तुक्का ही मारेगा फॉर्मूला से माइनस करके। हो गया, आप लोग कर लिए? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इफ 2 पावर x माइनस 3 2 पावर x माइनस 3 इक्वल टू x पावर 8 पावर x माइनस 12, फाइंड x। x के चार वैल्यू दिए हुए हैं, ए आंसर 2/33, बी 33/2, सी 16, इसमें मैं आपको हिंट्स दे देता हूं कि 2 8 को लिख दीजिए 2 पावर 3, ठीक है? तो 2 पावर 3 पावर x माइनस 12, दैट इज 2 पावर 3 इनटू x माइनस 12, और उसके बाद इक्वेट कर देंगे दोनों साइड के पावर को। हाँ, पावर को इक्वेट कर देंगे, बेस कटेगा, ये सब ऐसे नहीं लिखते, इक्वेटिंग द पावर, बेस सेम रहेगा तो पावर को इक्वेट करते हैं। एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 3x माइनस 36, और सॉल्व कर लेंगे तो बी आंसर सही हुआ। ओ 17 आया, ठीक है, और 33/2 आया, ठीक, जो भी है आप लोग निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे, मैं आपको क्वेश्चन दे दिया, हिंट्स दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही फटाफट करते चलो क्वेश्चन। (9 power x - 10 into 3 power x + 9 = 0). What is value of x? इसको निकालिए आप लोग, ऑप्शन अभी हम नहीं दे रहे हैं, आप लोग निकालिए। (9 power x - 10 into 3 power x + 9 = 0) तो 3 पावर x को ले लेंगे हम लोग, कुछ भी ले लो, a ले लो, 3 पावर x = a, सपोज 3 पावर x = a, देन 9 पावर x = a² इसमें यही हिंट्स है कि लेट 3 पावर x = a, देयरफॉर 9 पावर x = a² (a² - 10a + 9 = 0), फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और फिर a के वैल्यू को (a = 3 power x) देन (x = 2).
ए स्क्वायर माइनस 10 ए प्लस 9 इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर माइनस 9 ए माइनस ए प्लस 9 इक्वल टू 0 और ए माइनस 9 माइनस ए माइनस 9 ए माइनस 9 ए माइनस 1 देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए इज 1 और 9। अब ए का वैल्यू को इसमें रखिए 3 पावर एक्स इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू 3 पावर 0 देयरफॉर एक्स इक्वल टू 0 पहला एक्स का वैल्यू 0 होगा और 3 पावर एक्स इक्वल टू 9 इक्वल टू 3 पावर 2 देयरफॉर एक्स इक्वल टू 2 एक्स का वैल्यू 0 और 2 यही हुआ। हाँ जैसे हो जैसे ऑप्शन में दिया हो कोई एक दिया हो या ऐसे भी दे सकता है कि 0 और 2 5 और 4 और 4 को गलत दे दिया हो पेयर ठीक है ना। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक नया वैरायटी है। हैं ये सब इंडिसेज का है क्वेश्चन इंडिसेज पावर्स इस क्वेश्चन को कीजिए तो a पावर 3 इक्वल टू b a बाय 3 इक्वल टू b बाय 3 b बाय 4 इसको 4 लिख दीजिए a बाई 3 इक्वल टू b बाई 4 इक्वल टू c बाई 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c बाई c a बाई 3 b by 4 equal to b by 4 equal to c by 7 find the value of a plus b plus c by c। चलो निकल गया निकालिए आप लोग जब रेशियो में दिया रहता है तो उसको एज्यूम कर लेते कि दैट इज इक्वल टू के ठीक है ना दैट इज इक्वल टू के जब भी रेशियो है उसको कांस्टेंट में ले लेते हैं। क्वेश्चन था कि a बाई 3 इक्वल टू b बाई 4
इक्वल टू सी बाई सेवन, ये सारे रेशियो में है कि द रेशियो ऑफ ए इज टू थ्री इक्वल टू बी इज टू फोर इक्वल टू सी इज टू सेवन। रेशियो की वैल्यू, सारे रेशियो के वैल्यू एक कांस्टेंट के इक्वल होता है। लेट इट इज इक्वल टू के, सपोज किया लेट, यहां पर ब्रैकेट में लेट लिख लीजिए। देयरफॉर ए इक्वल टू थ्री के, बी इक्वल टू फोर के एंड सी इक्वल टू सेवन के, एंड वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ओवर सी इज इक्वल टू थ्री के प्लस फोर के प्लस सेवन के ओवर सेवन के, के ऐड कर दीजिए तो सेवन सेवन फोर्टीन बाई सेवन दैट इज टू, रेशियो के क्वेश्चन को हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं एक कांस्टेंट वैल्यू और फिर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये सी प्रीलिम्स 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन किए ये 2016 के प्रीलिम्स में आया हुआ है, अभी जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो 2014 के प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ इफ ए इक्वल टू 0.25, बी इक्वल टू 0.25, सी इक्वल टू 0.05, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चार आंसर दिया है उसमें से किसको कोई एक आंसर चूज कीजिए। ए लेस देन, बी लेस देन, सी लेस देन डी, बी आंसर, बी लेस देन सी, लेस देन डी, लेस देन ए, सी आंसर, D less than C, less than B, less than A, and D answer none of these. None. ये 2014 के prelims का आया हुआ question है। If A equal to 0.25, B equal to 0.25. C equal to 0.25 whole square, D equal to 0.05. Which of the following is true? A less than B less than C less than D, B less than C less than D less than A, D less than C less than B less than A, none of these. देखिए ए का आंसर, ए कितना होगा, ए होगा 0.05, ठीक है, ये 0.05 होगा और सी कितना होगा 0.625, ठीक है ना, पॉइंट पहला हो गया कि 0.25 का 0.5, बी है 0.25, सी है इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो 0.0625 ऐसे आ जाएगा,
और ये है 0.05। तो अब सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा तो ए दिख रहा है, ए के बाद सेकंड नंबर किसका है? बी का है, तब बी का है, और लास्ट में जो है सी का है। तो सबसे बड़ा ए, नहीं देखिए सी सबसे छोटा है क्योंकि सी है 0.06, नहीं सी थर्ड नंबर में है, और उसके बाद ये डी जो है ये 0.05 है, वो 0.06 है, 0.06 इज ग्रेटर देन 0.05। तो यही हो जाएगा कि ए सबसे बड़ा, ठीक है, ए ए सी आंसर सही होगा, ए सबसे बड़ा, उससे छोटा बी, उससे छोटा सी, उससे छोटा डी। फोर्टीन के प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है, इरेज क्लियर कर दिया जाए। हुआ क्वेश्चन है, एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है, एक भिन्न का इफ डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, लिखते हैं क्वेश्चन है कि इफ डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रिसिप्रोकल, माने फ्रैक्शन यदि ए बाई बी है तो बी बाई ए रिसिप्रोकल हो जाएगा, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रिसिप्रोकल इज 216/21, ये सम है। दो पूर्णांक 16/21, देन फाइंड द फ्रैक्शन, देन फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालिए। ये a बाई बी प्लस बी बाई ए का सम है, माने फ्रैक्शन यदि a बाई बी हो तो b बाई ए का सम है। क्या दिया है कि 2 times a plus 1, b इक्वल टू 2 times a plus 1, ठीक है ना, b इज डिनोमिनेटर इन योर क्वेश्चन, दिस इज गिवन दैट b इक्वल टू डिनोमिनेटर इक्वल टू वन मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। b इक्वल टू 2a प्लस 1, जहां जहां b है इसको 2a प्लस 1 रखो। c नहीं ना, a है, ये रेसिप्रोकल है, a बाई बी इक्वल टू बी बाई ए प्लस बी बाई ए, ये a बाई बी ये है कि The fraction and sum of fraction and reciprocal equal to 216/21. ये b equal to 2a plus 1. यहाँ है 1 है, ठीक। b equal to 2a plus 1, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ 2a plus 1 रख दीजिए। a by 2a plus 1 plus 2a plus 1 by a equal to इसका value? हाँ,
21 दूने 42 और 16 58 बाई 21। अब इसको लिख लें, टू ए प्लस वन इंटू ए, ए हो जाएगा ए, टू ए प्लस वन प्लस टू ए प्लस वन इंटू ए इक्वल टू 58 बाई 21। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, 2a स्क्वायर प्लस a, 2a स्क्वायर प्लस a, ये हो जाएगा a इंटू 2a प्लस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, सॉल्व कर लो, कितना आया a का वैल्यू, एक का वैल्यू वन आया, हाँ एक वन और दूसरा आंसर 21/11 आया। आंसर क्या आया, फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन, रॉन्ग आंसर है। आप आंसर को मिला के देखो ना कि टू टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू टू टाइम्स न्यूमरेटर प्लस वन, रॉन्ग आंसर है। इसका आंसर आएगा 4/9 इसका आंसर आएगा, क्योंकि 9 इक्वल टू 2 टाइम्स 4 प्लस 1। आप लोग निकालिए पहले a का वैल्यू निकालिए, इसलिए कि देखिए इसमें जब डिवाइड करेंगे इससे तो क्या होगा, 2a प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसको मिटा के मैं फिर से लिखता हूँ, हॉच पॉच ज्यादा हो गया है। क्वेश्चन है कि a by b प्लस b by a इक्वल टू 58 by कितना है, 58 by 21 एंड इट इज गिवन दैट टू टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर प्लस वन इक्वल टू डिनोमिनेटर, b इक्वल टू 2a प्लस 1। देखिए जो भी आपका आंसर आया ना उसको चेक करो कि आंसर सही है कि गलत है। तो आंसर कैसे चेक करेंगे, जो भी आपको फ्रैक्शन आ रहा है उसका यदि डिनोमिनेटर 2 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर प्लस 1 आ गया तो समझो कि तुम्हारा आंसर गलत, ठीक है आ गया। तो क्या आया आंसर, 1/3 के, तो कहां आंसर सही हुआ, हाँ और 2 × 1 + 1, ठीक, दो आंसर आएगा, दो में से एक आंसर कोई ले सकते हैं। अब इसको लिखो a by 2a + 1 plus 2a + 1 by a 58/21, a by 2a + 1, 2a by a is 2, 1 by a, 2 को इधर ले आइए तो 2 माइनस हो जाएगा, में से 42 माइनस कीजिए, 21 इंटू 42, 58 माइनस 42 बाई 21, 50s में से 42 माइनस कीजिए 16, हाँ इसको अलग अलग कर दिए, 2a बाई a इज 2 और 1 बाई a, अब 58 माइनस 42 इज 16, 16 बाई 21। अब इसको इसका एलसीएम हो जाएगा 2a प्लस 1 इंटू a
एलसीएम में 2a प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर a इनटू a प्लस, फिर इसमें डिवाइड करेंगे a से तो 2a प्लस 1 इक्वल टू 16/21। अब 21 टाइम a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इक्वल टू 16 टाइम 4a स्क्वायर प्लस a 4a स्क्वायर, देख रहे हैं ना, 16 टाइम 2 इनटू a 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर नहीं 2a स्क्वायर और a इनटू a दैट इज a प्लस a और 21a स्क्वायर, इधर से 32a स्क्वायर ले आइए 16 इनटू 2 और इधर 42a और उधर है 16a तो माइनस 16a 21 इनटू 1 प्लस 21 इक्वल टू 0 और ये नेगेटिव में आएगा 32 में से 21 माइनस कीजिए माइनस 11 माइनस 11 ए स्क्वायर, इसको माइनस कीजिए 42 माइनस 16 26 नहीं कितना आएगा 12 में से 6 गया 6 हाँ 26 प्लस 21। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है माइनस 11 ए स्क्वायर प्लस 26 ए प्लस 21, इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए का वैल्यू निकाल लो तो जो a का वैल्यू होगा a क्या है हमारा न्यूमरेटर है तो b इक्वल टू 2a प्लस 1 टू टाइम्स a प्लस 1, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर निकाल लीजिए। चेक कर लेते हैं उसको जब भी आंसर आता है उसको कि हम आंसर सही है कि नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बच्चों में मुफ्त कॉपियां, बच्चों में मुफ्त कॉपियां समान रूप से बांटी जाती है, कॉपी स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इक्वल नंबर में, इक्वल इक्वल नंबर, प्रत्येक स्टूडेंट को इक्वल कॉपी मिलता है, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली कॉपियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का आठवां भाग था। ठीक है, प्रत्येक बच्चा को जो कॉपी मिल रहा है वो स्टूडेंट्स के नंबर का आठवां भाग था। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चा को 16 कॉपी मिलता, कुल कितनी कॉपियां वितरित की गई है, टोटल नंबर ऑफ कॉपी बताना है। ऐसे ही इक्वेशन फॉर्म कीजिए अपने से, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एक्स, देन ईच स्टूडेंट गॉट एक्स बाय टू नंबर कॉपी। हाँ क्या क्वेश्चन है, ए कि
प्रत्येक बच्चे को कॉपियों की कुल संख्या का आठवां भाग।